नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप एक SUV लेना चाहते हैं और 11 लाख से 14 लाख के बीच में आपका बजट आता है, चाहे 11 लाख हो, 12 लाख हो, 13 हो या 14 हो, इनमें से चाहे कोई भी बजट आपका हो, उस बजट में सबसे बेहतर SUV और उसका सबसे बेहतर वेरिएंट आपके लिए कौन सा रहेगा, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बताए गए सभी प्राइसेस एक्स शोरूम दिल्ली के हिसाब से हैं, कहीं पर भी मैंने ऑन रोड प्राइसेस की बात नहीं की है। अगर आप इस पूरे वीडियो को ना देखते हुए सिर्फ अपने बजट में आने वाली बेहतर SUV के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने इस वीडियो के कंटेंट को टाइम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, आप डायरेक्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। 11 लाख के बजट में आपको 6 ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इन सभी 6 ऑप्शंस के कौन कौन से वेरिएंट 11 लाख के बजट में एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आ जाते हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 11 लाख के बजट में अगर आप एक डीजल SUV लेना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है फोर्ड इको स्पोर्ट, जिसमें 23 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 352 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, और सेफ्टी फीचर्स में अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और हिल स्टार्ट असिस्ट। और इन सेफ्टी फीचर्स के अलावा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के भी फीचर्स आपको फुली लोडेड मिलते हैं। डीजल इंजन में ही सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाता है मारुति सुजुकी अर्टिगा, जिसमें 24.52 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 135 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है और ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप डीजल इंजन में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं 11 लाख के बजट में, तो आपको सिर्फ दो ही ऑप्शंस मिल पाते हैं, महिंद्रा TUV या फिर महिंद्रा नूवो स्पोर्ट। इन दोनों गाड़ियों में से आपको नूवो स्पोर्ट लेना चाहिए, जिसमें 17.45 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 412 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं और TUV से ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। इस बजट में अगर आप पेट्रोल इंजन लेना चाहते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, तो आपको सिर्फ दो ही ऑप्शंस मिल पाते हैं, फोर्ड इको स्पोर्ट और रेनो डस्टर। दोनों ही ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं, इन दोनों में से अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हैं तो आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। इको स्पोर्ट में 14.8 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 352 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, सेफ्टी में ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, ब्रेक असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं डस्टर में आपको 14.99 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 475 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है और सेफ्टी फीचर्स में ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 12 लाख के बजट की। 12 लाख के बजट में आपको 8 ऑप्शंस मिल जाते हैं, मारुति एसक्रॉस, रेनो डस्टर, होंडा BRV, हुंडई क्रीटा, निसान टेरेनो, महिंद्रा स्कॉर्पियो, रेनो कैप्टर और टाटा हेक्सा। इन 8 ऑप्शंस के कौन कौन से वेरिएंट्स 12 लाख की प्राइस रेंज में आ जाते हैं, वो डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ से किसी एक गाड़ी को बेस्ट बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं रैंकिंग्स का सहारा लूंगा और जो गाड़ी सबसे बेटर होगी उसे मैं टॉप रैंक पे रखूंगा, मतलब नंबर 1 पे, थोड़ी कम बेटर होगी तो सेकंड रैंक पे। इस तरीके से मैं सभी को रैंक वाइज सेटल करूंगा। ये रैंक्स स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, इंजन, उसमें कितनी पावर मिलती है, इन सारे बेसिस पे तो है ही, साथ में इन गाड़ियों के यूज़र रिव्यूज़ क्या हैं, इनके ओनर्स अपनी गाड़ियों के बारे में क्या कहते हैं, राइडिंग एंड हैंडलिंग किस तरीके की है, कंफर्ट किस तरीके का है, उन सारी चीज़ों के आधार पे मैंने ये रैंकिंग की हुई है। तो चलिए 12 लाख के बजट में अगर आप एक 5-सीटर डीजल SUV लेना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए रेनो कैप्टर। इसमें आपको 20.37 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है और साथ ही में इको मोड भी मिलता है, जिसको यूज करके आप अपनी फ्यूल एफिशिएंसी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। 392 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD और ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स आपको फुली लोडेड मिलते हैं। इस सेगमेंट में मोस्ट पावरफुल इंजन आपको कैप्टर में ही मिलता है, हालांकि इसका इंजन और डस्टर का इंजन सिमिलर है, इसलिए डस्टर और कैप्टर में दोनों में ही आपको इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर मिलती है। सेकंड रैंक पे हुंडई क्रीटा आ जाती है, जिसमें आपको 21.38 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 400 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। थर्ड रैंक पे रेनो डस्टर आ जाती है, जिसमें 19.87 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है,
475 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और कैप्टर बराबर ही पावरफुल इंजन। फोर्थ रैंक पे निसान टेरेनो आ जाती है जिसमें 20.45 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, 475 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, लेकिन सबसे कम पावर आपको टेरेनो के इंजन में मिलती है। फिफ्थ रैंक पे मारुति एसक्रॉस आ जाती है जिसमें आपको 25.1 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, 353 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, लेकिन एसक्रॉस में आपको 1.3 लीटर इंजन मिलता है जो आपको कहीं ना कहीं अंडर पावर लगता है। अब बात करते हैं डीजल 7-सीटर SUV की, तो आपको इस सेगमेंट में सिर्फ 3 ऑप्शंस मिल पाते हैं, टाटा हेक्सा, महिंद्रा स्कॉर्पियो और होंडा BRV। इन तीनों में से सबसे पहली रैंक पर टाटा हेक्सा आ जाती है जिसमें 14.5 KMPL का माइलेज मिलता है, मोस्ट पावरफुल इंजन मिलता है, सबसे ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, और सबसे ज़्यादा बूट स्पेस भी 610 लीटर्स की। सेकंड रैंक पे स्कॉर्पियो आ जाती है जिसमें 16.36 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 460 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है और ABS और डुअल एयरबैग्स जैसे सेफ्टी फीचर्स। थर्ड रैंक पे होंडा BRV आ जाती है जिसमें 21.9 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 223 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन इसके इंजन में आपको सबसे कम पावर मिलती है। अगर आप एक 7-सीटर SUV लेना चाहते हैं जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हो तो होंडा BRV आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है। 12 लाख के बजट में अगर आप एक पेट्रोल SUV लेना चाहते हैं तो सबसे पहली रैंक पे होंडई क्रीटा आ जाती है जिसमें 15.29 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 400 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। क्रीटा का पेट्रोल इंजन अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करके देता है। सेकंड रैंक पे होंडा BRV आ जाती है जिसमें 15.4 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 223 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। थर्ड रैंक पे रेनो कैप्टर आती है जिसमें 13.87 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 392 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं 13 लाख के बजट की। इस बजट में आपको 7 ऑप्शंस मिलते हैं, रेनो डस्टर, होंडा BRV, होंडई क्रीटा, स्कॉर्पियो, रेनो कैप्टर, टाटा सफारी और महिंद्रा XUV500। इन 7 ऑप्शंस के कौन कौन से वेरिएंट्स 13 लाख के बजट में आपको मिल जाते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह का वीडियो मैंने हैचबैक्स के ऊपर, मतलब छोटी गाड़ियों के ऊपर, सेडान्स के ऊपर और 10 लाख से कम की SUVs के ऊपर बनाया हुआ है। अगर आप इनमें से किसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर अपर राइट कॉर्नर पर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के अंत में कुछ सेकंड्स के लिए इस वीडियो के ऊपर ही ऑटोमेटिकली उन वीडियो की लिंक्स आ जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको तब भी नहीं मिलता तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। 13 लाख के बजट में अगर आप एक डीजल 5-सीटर SUV लेना चाहते हैं तो सबसे पहली रैंक पे होंडई क्रीटा आ जाती है जिसमें 19.67 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 400 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन भी। सेकंड रैंक पे रेनो कैप्टर आती है जिसमें 20.37 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 392 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स आ जाते हैं और साथ ही में ब्रेक असिस्ट भी। और थर्ड रैंक पे रेनो डस्टर जिसमें 19.6 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 475 लीटर्स की बूट स्पेस, ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स और साथ ही में ब्रेक असिस्ट भी। और डीजल 7-सीटर SUV में सबसे पहली रैंक पे महिंद्रा XUV500 आ जाती है जिसमें पावरफुल इंजन के साथ में आपको 16 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 720 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD और ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। सेकंड रैंक पे महिंद्रा स्कॉर्पियो आ जाती है जिसमें 16.36 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 460 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, सेफ्टी फीचर्स में ABS, डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं, EBD नहीं मिल पाता। थर्ड रैंक पे होंडा BRV आ जाती है जिसमें 21.9 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 223 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन सबसे कम पावर आपको BRV के इंजन में मिलती है। ओवरऑल अगर आप एक ऐसी 7-सीटर SUV लेना चाहते हैं जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हो तो होंडा BRV एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। इस बजट में
अगर आप पेट्रोल एसयूवी लेना चाहते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में, तो आपको सिर्फ दो ही ऑप्शंस मिलते हैं, हुंडई क्रीटा और होंडा बीआरवी। ये दोनों ही ऑप्शंस अपनी जगह पे बेस्ट हैं। अगर आप 5 सीटर लेना चाहते हैं तो आप क्रीटा ले सकते हैं, 7 सीटर लेना चाहते हैं तो आप बीआरवी ले सकते हैं। क्रीटा में 15.29 केएमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है, एबीएस, ड्यूल एयरबैग्स और ईबीडी जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, 400 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और BRV से ज़्यादा पावरफुल इंजन मिल जाता है। जबकि होंडा BRV में 15.4 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, ABS, ड्यूल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, 223 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। उसी तरह पेट्रोल SUV ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी आपको दो ही ऑप्शंस मिलते हैं, होंडा BRV और हुंडई क्रीटा। लेकिन यहां पर आपको BRV को प्रेफर करना चाहिए, क्रीटा को नहीं, क्योंकि क्रीटा का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पेट्रोल इंजन में आपको काफ़ी कम माइलेज निकाल के दे पाता है। वैसे तो ऑफिशियली इसमें 13 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, जबकि BRV में 16 KMPL का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 14 लाख के बजट की। इस बजट में आपको 9 ऑप्शंस मिलते हैं, रेनो डस्टर, होंडा BRV, हुंडई क्रीटा, निसान टेरेनो, स्कॉर्पियो, रेनो कैप्टर, टाटा सफारी, टाटा हेक्सा और इनोवा क्रिस्टा। इन सभी 9 गाड़ियों के कौन कौन से वेरिएंट 14 लाख के बजट में आते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 14 लाख के बजट में अगर आप एक 5 सीटर डीजल SUV लेना चाहते हैं तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपके लिए है रेनो कैप्टर, जिसमें 20.37 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 392 लीटर इसकी बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, 4 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। सेकंड रैंक पे रेनो डस्टर आ जाती है, जिसमें 19.72 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 410 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं और साथ ही में डस्टर का ये वेरिएंट 4x4 मिलता है। थर्ड रैंक पे हुंडई क्रीटा आ जाती है, जिसमें 19.67 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 400 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन भी। फोर्थ रैंक पे निसान टेरेनो आ जाती है, जिसमें 19 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 475 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। 7 सीटर डीजल SUV में सबसे पहली रैंक पे टाटा हेक्सा आ जाती है, जिसमें 14.5 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 610 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन भी। सेकंड रैंक पे स्कॉर्पियो आ जाती है, जिसमें 16.36 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 460 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, डुअल एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं लेकिन EBD नहीं मिल पाता। थर्ड रैंक पे टाटा सफारी आ जाती है, जिसमें 14.1 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 981 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और सेगमेंट में हेक्सा बराबर पावरफुल इंजन भी। फोर्थ रैंक पे होंडा BRV आ जाती है, जिसमें 21.9 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 223 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। 14 लाख के बजट में अगर आप डीजल SUV लेना चाहते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, तो आपको सिर्फ दो ऑप्शंस मिलते हैं, रेनो डस्टर और हुंडई क्रीटा। इन दोनों में से सबसे पहली रैंक पे रेनो डस्टर आ जाती है, जिसमें 19.6 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 475 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि क्रीटा में 17 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, 400 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स ही मिल पाते हैं। और इस प्राइस रेंज में अगर आप एक पेट्रोल SUV लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, जिसमें 11.25 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। तो चलिए, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपके कंफ्यूजन को खत्म करने की या फिर कम से कम करने की, लेकिन फिर भी मेरे बताने के तरीके से या किसी और वजह से आपका कंफ्यूजन खत्म नहीं हो पाया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।